नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। राजस्थान की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21। चुनावी माहौल के बीच आज प्रदेश में एक बार फिर ईडी की एंट्री हुई है। राज्य के गृह राज्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के कोटपुतले स्थित आवास पर कार्यवाही की जा रही है। संभवतः बड़ी कार्यवाही ईडी की बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही कार्यवाही की गई है। लगभग 5 से 6 इनोवा कार में सवार होकर अधिकारी सुबह मंत्री के आवास पर पहुंचे और कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान मंत्री के आवास को पूरी तरह बंद रखा गया, ना कोई अंदर जा रहा था और ना ही किसी को बाहर आने दिया गया। जैसे जैसे खबर आग की तरह फैली, वैसे वैसे अलग अफवाहों के बाजार गर्म होने लगे। कार्यवाही के दौरान मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की सरकारी गाड़ी भी आवास के अंदर मौजूद रही, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्यवाही के दौरान मंत्री राजेंद्र यादव भी आवास के अंदर मौजूद हैं। कार्यवाही के दौरान एक ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को भी मंत्री आवास पर बुलाया गया। ना किस किस का तोड़ रहा है लोग? अलमारी का। कितनी अलमारी? कोई दो। और एक बक्सा का, बक्सा के सांगड़े पाड़े हैं उसके अंदर। कितने लोग हैं? लोग कितने अधिक? ध्यान नहीं कर रहा भाई इतना, फिर भी आइडिया तो होगा ना कितने? ध्यान नहीं कर रहा जी मैंने। मंत्री जी क्या बोले आपको? मंत्री जी का काम हो गया, महंगा हो गया जी, पैसे दे दीजिए। तो मंत्री जी अंदर ही हैं क्या? हाँ। कितने पैसे मिले आपको? 800 रुपये। कितने लोग तोड़े? 3 लोग तोड़वाए। 3 लोग। अब इसे चुनावी फिजा कहें या फिर चुनावी समर, दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में ईडी की एंट्री हो गई है। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव के घर पर आज ईडी की कार्रवाई सुबह शुरू हुई। यादव ने सोचा भी नहीं होगा, या ये कहा जाए कि उनकी सुबह भी नहीं हुई होगी, कि लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान और लगभग 8 से 10 लग्जरी गाड़ियों से काफिला उनके कोटपुतली आवास पर पहुंचा और अंदर प्रवेश कर गया। ना गार्ड कुछ समझ पाए, ना चौकीदार कुछ समझ पाए, ना ही खुद मंत्री राजेंद्र यादव समझ पाते। हालांकि इस हम न्यूज 21 की टीम ये दावा नहीं करती है कि राजेंद्र यादव उस समय घर में थे या नहीं, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। चुनावी समर कहा जाए, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार को कई महीनों में आड़े हाथों लिया था और भ्रष्टाचार की सरकार कहा था। और आज अगले ही दिन, प्रधानमंत्री के दौरे के अगले ही दिन, आज एक बार फिर से प्रदेश में ईडी ने अपनी एंट्री मार ली है। अब देखना होगा कि इस ईडी की कार्रवाई से भाजपा को फायदा मिलता है या फिर कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि सरकार या केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को डरा रही है और डरा करके अपना चुनाव में फायदा देख रही है। कार्रवाई होती तो पहले ही हो जाती, अब चुनाव के समय में ऐसी कार्रवाई क्यों? कार्रवाई हुई है तो सवाल या निशान भी खड़े होने ही हैं। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई से क्या निकल करके आता है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई पर लेकर के राजनीति फिर से गर्माहट के दौर में है, या ये कहा जाए कि अभी शुरू हुई है कार्रवाई और अब राजनीति तो शुरू होनी है। देखना होगा कि नेताओं के बयान क्या आते हैं, कांग्रेस क्या कहती है और भाजपा क्या कहती है। सवाल कई हैं, जवाब भी आएंगे। इंतजार है कि अब इस कार्रवाई का क्या परिणाम आता है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ बीएल सरोज, न्यूज 21, जयपुर।